हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इस बार जो इंटर में नामांकन करवाना चाहते थे लेकिन किसी वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पाया है, उसके लिए बड़ी ही खुशी की बात है। अब उसका नामांकन हो जाएगा क्योंकि बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या है नोटिफिकेशन, हम आपको ले चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड वाले बटन को दबाकर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही आपको बगल में दिख रहा होगा बेल आइकॉन, उस पर दबाकर नोटिफिकेशन को कीजिए ऑन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, आपके सामने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुला हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आज ही का डेट है 12/8/2020। इसमें क्या लिखा गया है वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहले विषय देखिए, इंटरमीडिएट नामांकन हेतु तिथि विस्तारित के संबंध में, यानी तिथि को बढ़ाया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सत्र 2020-22 में OFSS के माध्यम से इंटरमीडिएट कक्षा में प्रथम चयन सूची में चयनित परीक्षार्थियों के नामांकन की तिथि 7/8/2020 से 12/8/2020 तक निर्धारित की गई थी, जिसे विचारोपरांत दिनांक 13/8/2020 से 17/8/2020 तक विस्तारित की जाती है। आप यहां पर देख सकते हैं पहले नामांकन का तिथि 7/8/2020 से 12/8/2020 तय किया गया था लेकिन किसी वजह से अब उसे बढ़ा दिया गया है। अब आप नामांकन 13/8/2020 से लेकर 17/8/2020 तक करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, नामांकन तिथि बढ़ाने का दो कारण हो सकता है। एक, बाढ़ को लेकर भी स्टूडेंट विद्यालय नहीं पहुंच पाया होगा जिसके कारण से डेट बढ़ाया गया है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि बहुत से विद्यालय स्थानांतरण पत्र देने में असमर्थ रहा था जिसके कारण से नामांकन तिथि को बढ़ाया गया है। बस आज का यही था छोटा सा अपडेट। मुझे उम्मीद है यह अपडेट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो कीजिए लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।